तो भैया ये बिल्ट ऐसा इसमें ग्राफिक कार्ड यूज नहीं हुआ, अभी गालियां खूब पड़ने वाली है। ये बिल्ट है हमारा कानपुर का, विवेक पांडे सर का, जो जिन्होंने भाई कंपोनेंट एक से एक कंपोनेंट यूज किए हुए हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब? माय सेल्फ अंकित कुमार शर्मा, और बिल्ट को दिखाने से पहले एक दिखाएंगे नया मॉडल। तो भैया G500P एक न्यू कैबिनेट भी इस बिल्ट में है, और एक न्यू सीपीयू जो कि राइजन ने अभी जस्ट लॉन्च किया है। दोनों की खासियत क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं, भाई बिल्ट को ले जाते हैं आगे। तो भैया पहले कंपोनेंट की बात करेंगे तो न्यू कैबिनेट लॉन्च की है पेंटेक की, एक्लिव G500P की ए, कौन सी है? ए है, और इससे पहले आती थी P500A। तो भैया देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। आई थिंक पहली वाली कैबिनेट में यहां पर ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ था, और केवल एक फ्रंट पे हल्की सी आरजीबी दी थी, ये इन्होंने आरजीबी एक्सटेंड कर दी है प्रॉपर, ये चेंज दिख रहा है। बाकी सेम डिक्टो वही कैबिनेट है, पहले G500A अब लॉन्च की है, पहले P500A आती थी। तो भैया विवेक, विवेक भैया ये हमने अपने आप से चेंजेस कर लिया है, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये न्यू मॉडल है, कोई अंतर भी नहीं है, सिमिलर प्राइस है, तो मैंने ये कैबिनेट आपके लिए सजेस्ट कर दिया आपको, और ऑलरेडी विवेक भाई के पास कार्ड है। तो दूसरे कंपोनेंट की बात करें, जैसे कि हमने बताया कि विवेक भाई के पास 3080 आरओजी स्टिक है, तो भैया उसके लिए हम एसएमपीएस दे रहे हैं 850 गोल्ड कोर रिएक्टर एक्सपीजी की, जो कि 10 ईयर वारंटी पे आती है। इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। सूपी कहा गया कट्टर भैया, ये कर लिया आपका अनबॉक्स, और ये रहा सीरियल नंबर। भैया सीरियल नंबर देख लो, सब सील्ड पैक है प्रोडक्ट अपने, और इसको दिखाते हैं कि क्वालिटी वाइज क्या है। 10 ईयर की वारंटी है, फुल मॉडलर सप्लाई पे दिया हुआ है, पैकिंग भी जबरदस्त है, और ये रही आपकी सप्लाई जो कि 3080 आरओजी स्टिक के लिए सफिशिएंट है। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कंपोनेंट। तो करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट की, भाई थर्मल टेक का टफ फैन आता है टर्बो, जो कि 2500 आरपीएम तक ये आपका रन होता है। तो फ्रंट पे इनटेक हो गया आपका 140 एमएम के, बैक साइड में 360 एमएम का एक एआईओ, और एक बैक साइड में 140 का 2500 आरपीएम फैन। तो इनटेक आउटटेक दोनों जबरदस्त रहेगा, और बिल्ड की लाइफ भी इससे अच्छी हो जाएगी। भैया बात करते हैं एआईओ की, तो गहलात आपका एआईओ 360 आरजीबी पे आता है, जो कि लियाली का आता है। सीरियल नंबर इसका दिखा देते हैं, ब्लैक कलर का है भैया, ब्लैक है, ये रहा सीरियल नंबर। भाई वेग भैया देखते जाइएगा, सारे कंपोनेंट आपके सील्ड पैक है, और इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। ये अनबॉक्स हो गया, फिर इसका करके दिखाएंगे इंस्टॉलेशन। फिलहाल अनबॉक्स कर दिया, इंस्टॉलेशन दिखाते हैं इसका। तो भैया मदरबोर्ड की बात करें, टफ गेमिंग X670E+, तो ये टफ गेमिंग मदरबोर्ड है, जो कि सीड पैक है भैया। ये देखो सीड पैक एकदम सीरियल नंबर मैच कर लो। इसमें भैया वाईफाई वाला मांग रहे थे, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए अलग से हम वाईफाई 6 कार्ड देगी टीपी लिंक का। तो फिलहाल ये बोर्ड है आपका, हो गया अनबॉक्स। तो भैया आसूस है तो जबरदस्त बिल्ट क्वालिटी। भैया देखो एनवीएमई के पोर्ट देखो कितने दिए हुए, 1, 2, 3 और 1, 4, चार पोर्ट आपके एनवीएमई के दिए हुए हैं। साटा दी हुई है 2, 3.0 100 वोल्ट 24 पिन कनेक्टर, और ये आपका 16 पिन पे बोर्ड दिया हुआ है, जो कि ऑन होगा। स्टील कोटेड आपका पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट दिया हुआ है, और A to Z बिल्ड क्वालिटी तो भाई जबरदस्त है ही है। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कंपोनेंट। तो भैया प्रोसेसर की बात करेंगे, बिल्कुल न्यू लॉन्च प्रोसेसर है एएमडी का राइजन 9 का, जो कि 12 कोर 24 थ्रेड पे है, 4.5.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बूस्ट क्लॉक है, और बेस क्लॉक दी हुई है 3.7, जो आपका 7900X है उसकी बूस्ट क्लॉक दी हुई है 5.7, और बेस क्लॉक दी हुई है 4.7, एक तो ये अंतर है। बाकी भैया देखो 76 MB कैश इसकी भी दी हुई है, 76 MB 7900X की दी हुई है, अंतर मैं बता रहा हूं। बाकी विवेक भाई देखो ये सील्ड पैक है। दूसरी चीज बात करेंगे, मेन जो डिफरेंस आया है प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग में भी कोई खास अंतर नहीं है, केवल 2-2.5 हजार रुपए का गैप आता है। साथ में इसमें बेनिफिट ये है कि एक साथ में जैसा हमारा 3700X में प्रिज्म कूलर मिलता था, एक प्रिज्म कूलर मिलता है। भैया देखो वही प्रिज्म कूलर लग रहा है, लगभग लगभग देखने में वैसा ही लग रहा है जैसा हमने 3700X में देखा था। बात करेंगे प्रोसेसर की, प्रोसेसर में चेंज क्या किया है भैया। भाई देखो पिनलेस तो है ही, सबको पता है, वो भी अपना इसी सीरीज में पिनलेस प्रोसेसर है। इसकी जो टीडीपी दी हुई है वो 65 वॉट की दी हुई है, अपना 7900X की जो टीडीपी दी हुई है वो 170 वॉट की टीडीपी दी हुई है। तो भैया केवल वॉटेज टीडीपी कम की हुई है, कंजप्शन कम रहेगा, ड्यूरेबिलिटी रहेगी, तो इसलिए इन्होंने ये इनको ये सीपीयू दिया हुआ है।
तो भैया अगर प्राइमरी स्टोरेज की बात की जाए तो 7000 मेगाबाइट पर सेकंड में किंगस्टन 5 ईयर वारंटी पे आती है आपकी KC3000। किंगस्टन ब्रांड है, ट्रेबल भी सही है। और ये आपका हो गया अनबॉक्स, और इसका दिखा देते हैं आपका सीएल नंबर। बात करेंगे भैया रैम की, रैम इसमें यूज हुई है आपकी DDR5 में 32GB 5600 MHz जो कि किट रैम है। ये रहा भैया सीरियल नंबर, कंपोनेंट लगभग लगभग सारे अनबॉक्स कर दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं बिल्ड और इसको भी कर देते हैं अनबॉक्स। ये रही आपकी रैम, हो गई अनबॉक्स। तो भैया बिल्ट अपना रेडी कर दिया गया। भैया देखो एकदम बिल्कुल ब्लैक में भी ऑसम लुक आया हुआ है इसका। स्टील कोटेड आपके लियाली का हेडर, फैन से मैच करता हुआ, रैम से मैच करता हुआ, बोर्ड की हीटसिंक से मैच करता हुआ। फ्रंट पे आपके 140mm के इनटेक के लिए। और बात करेंगे केबल मैनेजमेंट की, तो भैया अपनी तरफ से जितना अच्छा केबल फिक्स हो सकता था वो फिक्स कर दिया है। और साथ में इस कैबिनेट में G500P में पूरा कवर हो जाता है। मैं लास्ट में आउटरूम में दिखा भी दूंगा एक बार एक जगह। पहले इसमें लगा लेते हैं कार्ड। देखिए सर आ चुके हैं, कार्ड उन्होंने दे दिया। मैंने बताया था ना कि कार्ड उनके पास है, तो उनके पास ऑलरेडी 3080 Ti Asus Tough Gaming 12GB ग्राफिक कार्ड था सर के पास। इसको लगा के एक बार इसको दिखाते हैं आप उसका लुक। तो भैया बिल्ट अपना रेडी हो गया है, अब दिखाते हैं इसका लुक। तो भैया मशीन हो गई है ऑन, लियानली आपका 360mm AIO हो गया आपका, बैक साइड आपका टफ वाला 2500 RPM का कूलर हो गया, 3080 Ti ग्राफिक कार्ड 12GB टफ गेमिंग लगा दिया गया है RGB के साथ में, और 5600 MHz की रैम हो गई, और Zen 4 NVMe ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी गई है। फ्रंट के लुक की बात करेंगे तो 140mm के फैन लगे हुए हैं ARGB। भैया ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका P500A कैबिनेट थी उसमें आपका ऑलरेडी जो हम लोग लगाते थे फिल्टर, ये सेक्शन इन्होंने चेंज किया हुआ है। अब AIO इंस्टॉलेशन के बाद एक इसमें वर्टिकल जाली वगैरह दी हुई है सेफ के लिए, पहले डायरेक्ट लगता था उसमें, और पहले एक सिंगल RGB लगी हुई थी, अब RGB इन्होंने फुल कर दी है। और पीछे बैक साइड का केबल मैनेजमेंट कवर्ड करने के लिए कवर्ड भी दिया हुआ है, अभी हम आउटरो में दिखा देते हैं आपको। बिल्ट आपको कैसा लगा भाई जरूर बताइएगा, और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे नए नए बिल्ट आते रहते हैं। तो भैया देखो बिल्ट हो गया है कंप्लीट 135K में विदाउट ग्राफिक कार्ड, ये बिल्ट हमने कंप्लीट किया था 7900। तो विवेक सर हैं आपके ऑडियो पे, सर ये बताइए आपको बिल्ट कैसा लगा, मतलब एक रिएक्शन क्या था आपका बिल्ट का? बहुत सुंदर, मतलब और भाई का हाथ लगा, कुछ कहने की जरूरत है? और सर ये आपने प्रोसेसर मतलब ये जस्ट लॉन्च हुआ है इतना मतलब TDP आप 65 W की है उसकी, आपकी 7900X की TDP 170 W है, तो मतलब किस पर्पस से आपने लिया ये बिल्ड? लगभग दोनों प्रोसेसर सेम है, ये ओके पावर इफिशिएंट है। अच्छा, और मेनली आप वर्क क्या करते हैं सर? एडिटिंग का काम है। एडिटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह कौन से रन करेंगे सर? DaVinci। अच्छा ओके, तो सर का देखो ये बिल्ट सर को भाई अच्छा लगा है, रिव्यू दे दिया इन्होंने। अब बाकी सर मतलब ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा मिस्टर पीसी वाले से आपका? बहुत अच्छा। चलिए सर थैंक यू। तो भैया हमने देखो अब ये है कि सर नहीं आ सकते वीडियो पे, लेकिन ये है कि सर हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, और सब चीज है। बिल्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही बिल्ट अगर आपको परचेस करना हो तो यूट्यूब की तरफ से व्यू प्रोडक्ट की लिस्ट होगी, उस पर जाके क्लिक कर लीजिएगा, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी बोलना भाई, तो आपका टाइम नहीं खराब हो। बिल्ड को यहीं समाप्त करते हैं, क्लोज करते हैं। एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, और ऐसी दोस्ती बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और
वीडियो भी वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।